पिछले 4 सालों से नेशनल बुक फेयर अहमदाबाद में संत श्री आशाराम जी आश्रम द्वारा सत साहित्य स्टॉल यहाँ लगाया जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के साहित्य हैं, जैसे विद्यार्थियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तनाव मुक्ति के लिए और अध्यात्म के लिए। और भी महान ग्रंथ हैं, जैसे श्री योग वशिष्ठ महारामायण, भगवद्गीता, हमारी दूसरी पत्रिका ऋषि प्रसाद, जो कि सुखी, स्वस्थ व सम्मानित जीवन जीने का आधार है। इसके जरिए भी आज लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जा रही है। मीडिया में दिखाया जरूर गया है कि आश्रम बंद कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं या सील कर दिए गए हैं, लेकिन आप खुद आएं और देखें, उसी प्रकार से चल रहे हैं जिस प्रकार से पहले चलते थे। साथ ही खेलकूद मंत्री भी आए थे, वे भी हमारे स्टॉल पर आए। लाइब्रेरी में रखने के उद्देश्य से वे अनेकों प्रकार के साहित्य देखे, तो उन्होंने भी काफ़ी साहित्य इसमें से चूज़ किए, और जिनके रेट्स काफ़ी कम थे तो उनको काफ़ी खुशी हुई और उन्होंने भी इसे बहुत ही सराहा। बाद इंटरनेशनल बुक फेयर गुजरात से, यहाँ पे जब भी बुक फेयर लगता है, हमारा बुक स्टॉल लगता है संत श्री आशाराम जी सत साहित्य केंद्र का, इस बार हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। हमको अपने बापू जी के प्रचार के लिए जितनी प्रसन्नता थी, वैसा ही पब्लिक को देखने को मिला कि पब्लिक भी बहुत उत्सुक थी हमारे स्टॉल को देख के। हमारे इस स्टॉल पे हर वर्ग के लोग आते हैं, जैन हुए, मुसलमान हुए, ईसाई हों, हर वर्ग के लोग यहाँ सत्साहित्य लेके जाते हैं। बापूजी की जो सत्साहित्य है बहुत सरल और मधुर है, एक बार पढ़ने से उनके हृदय में उतर जाता है, लगता है हृदय से। तो आज भी मुसलमान लोग भी आते हैं, जैन भी लोग आते हैं, ईसाई लोग भी ले जाते हैं और बहुत प्रेम से पढ़ते हैं बापूजी के सत्संग। अहमदाबाद में नेशनल बुक फेयर 2017 में संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम की ओर से भाग लिया गया है। इसमें सत साहित्य स्टॉल लगाया गया है। पिछले 4 वर्षों से बापूजी के आश्रम में, आश्रम की ओर से नेशनल बुक फेयर में
हर बार साहित्य स्टॉल लगाया जाता है, जिसमें साहित्यों के माध्यम से बापूजी का जो उद्देश्य है स्वस्थ सुखी व सम्मानित जीवन जीना, उसको लोगों को समझाया जाता है साहित्य के माध्यम से। हमारे बापूजी की प्रेरणा से बहुत से साहित्य हैं, स्वास्थ्यवर्धक भी हैं और आध्यात्मिक साहित्य भी हैं, विद्यार्थियों के लिए साहित्य भी हैं और नारियों के लिए विशेष रूप से साहित्य हैं। हम यही कहेंगे कि बापूजी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बापूजी निर्दोष हैं, उनको बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है और संतों को प्रताड़ित करना शायद आज यहाँ की संस्कृति का प्रचलन बन गया है। तो हम यही कहेंगे कि बापूजी जैसे संत को ऐसे प्रताड़ित करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर एक लड़की ने आरोप लगाया है, केवल उसकी पुकार सुनी गई है, तो इतनी लाखों करोड़ों महिलाएं जो आज भी संकीर्तन यात्राओं में भाग लेकर बापूजी निर्दोष है के नारे लगाती हैं, उनको क्यों नहीं सुना जाता? क्या उनकी तरफ ध्यान देना कानून का धर्म नहीं है? क्या निष्पक्ष कानून यही है कि एक लड़की की पुकार सुनकर उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और लाखों करोड़ों महिलाएं उनकी पुकार की मांग कर रही हैं, दिन रात उनके पुकार के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं, क्या वो कानून को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये सत्य नहीं है कि इतनी महिलाएं पुकार कर रही हैं? तो कानून से और न्यायपालिका से हमारी ये गुजारिश है, हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र रिहा किया जाए। इतने सालों से उनको प्रताड़ित करना ना तो ये कानून के लिए मान्य है ना उचित है, और साधकों की श्रद्धा के साथ ये बेहद खिलवाड़ किया जा रहा है। किताब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बापू के जो आरोप लगे हैं, ठीक है, वो बेबुनियाद है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। अभी सिर्फ आरोप लगे, वो गुनहगार नहीं, आरोप लगने से गुनहगार नहीं हो जाता कोई, साबित करने पड़ते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, ठीक है। और पिछली बार जो दूसरे साधुओं पे आरोप लगे उसमें वो साबित नहीं हुए हैं, वो बेगुनाह साबित हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक आरोप है, बापू जल्दी बेगुनाह छूट जाएंगे। सूची है उसमें अगर आप नज़र डालो तो उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि जैसे एक एग्जांपल ले लें कि उन्होंने 10 लाख से भी ज़्यादा ईसाइयों को हिंदू में धर्म, ऐसा नहीं है कि हिंदू में, वो पहले हिंदू थे, उनको लालच देकर ईसाई बनाया गया था, उनको वापिस हिंदू धर्म में साबित किया। तो अगर 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, तो जिन्होंने उसे ईसाई बनाया था तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है।